15 बातें लड़कियां तब करती हैं जब वो प्यार में जलती हैं। इस वीडियो में आपको ऐसी 15 बातें बताई गई हैं और ये 15 बातें लड़कियों में तब नजर आती हैं जब वो किसी के प्यार में जलती रहती हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। नया चैनल, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और आप ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने एक और चैनल भी शुरू किया है सर सलीम के नाम से। आपसे गुजारिश है मेरे उस चैनल को भी आगे बढ़ाने में मेरी सपोर्ट करें। इस वीडियो के आखिर में एक आइकन आएगा जिस पर सर सलीम लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे और जब सेकंड टाइम क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे दूसरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। शुक्रिया। पहली अलामत, झूठ बोलना। अक्सर औरतें हालात को देखकर अपने जज्बात को कुचलती रहती हैं। इस दौरान अगर मर्द हजरात झूठ बोले तो ये जलती पर तेल का काम करता है। इस तरह अगर लड़की सब्र करे तो अंदर अंदर जलती और कुड़ती रहती है। दूसरी अलामत, अचानक मूड तब्दील हो जाना। ये तब होता है जब आपके होते हुए वो लड़का या मर्द किसी लड़की या औरत से फ्लर्ट करे, हंसी मजाक करे और फ्री हो जाए और उस वक्त औरत अपने आप को अकेला महसूस करती है। ये वो वक्त होता है जब आपको जलन महसूस होती है और मूड अचानक से चेंज हो जाता है। तीसरी अलामत, किसी से बात करते हुए पकड़ा जाए। जब आप मसरूफियत का बहाना करें और जब किसी दिन आप किसी लड़की से बात करते हुए पकड़े जाएं, ये वो वक्त होता है जब औरत पर कयामत टूट पड़ती है। चौथी अलामत, जब वो नजरअंदाज करे। एक और वजह जिसकी वजह से एक लड़की अपनी ही आग में जलती रहती है, जब वो आपको बहुत अच्छा लगे, आप उसे दीवानों की तरह प्यार करें और अपनी जान छिड़कना चाहें, लेकिन वो इन बातों को जानने के बावजूद आपको नजरअंदाज करे। पांचवी अलामत, जब आप किसी और के साथ बात करें। ऐसा अमूमन हमारे मुआशरे में कम ही होता है। वो ये कि जब वो लड़की आपसे बहुत प्यार करे, आपको चाहे और जब देखे कि आपको कोई असर नहीं है तो वो आपको जलाने के लिए किसी और लड़के से बात करती है, लेकिन दरअसल वो बहुत गुस्से में होती है और आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए किसी लड़के से बात करती है। छठी अलामत, आपको चिढ़ाना। ये भी हमारे मुआशरे में आम नहीं पर गूगल सर्च में ये है, इसलिए आपको बता देना मुनासिब है कि जब आप उसे ना मिले तो एक निशानी उस लड़की के जलने की ये भी है कि वो आपको चिढ़ाने के लिए और आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए वो जानबूझकर किसी न किसी लड़के से फ्लर्ट कर सकती है। सातवीं अलामत, मसरूफ जाहिर करना। ये भी देखा गया है कि लड़की जब देखती है कि आप मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं तो वो अपने आप को मसरूफ जाहिर करती है। ये भी इस बात की अलामत है कि आपके हुसूल के लिए वो अंदर अंदर परेशान है। आठवीं अलामत, जब आप अकेले में हंसें। जब लड़की को मुसलसल नजरअंदाज किया जाए तो वो थोड़ी बावली हो जाती है। वॉन वॉल्कन के मुताबिक किसी से प्यार के बाद उससे दूर होना और फिर अकेले में हंसने का मतलब वो अपने नसीब पर तंज कर रही होती है। नवीं अलामत, चिपकू बन जाना। कभी कभार प्यार के हुसूल के लिए वो चिपकू भी बन जाती है, जिसके अक्सर बुरे नतीजे सामने आते हैं और वो भी लड़की अपने दिल को मारते हुए ऐसा करती है जो कि उसकी ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स होता है। दसवीं अलामत, करीब रहने का दूसरा तरीका। सर्च इंजन में लिखा है कि ऐसा भी देखा गया है कि जब उसे यकीन हो जाता है कि वो उसके बगैर नहीं रह पाएगी तो वो किसी और नाम से एक अकाउंट खोलती है जो कि उसका डमी अकाउंट होता है। इसकी दो वजूहत होती हैं। पहली ये कि उसके करीब रहा जाए और बात कर सके और दूसरी वजह वो किसी और से बात ना कर सके जब तक वो उसे हासिल ना कर ले। ग्यारहवीं अलामत, तस्वीर भेजना। इस दौरान वो उसे जलाने के लिए और उसे याद दिलाने के लिए अपनी तस्वीर फेसबुक पर डालती रहती है। इस तरह
वो उससे बदला भी लेती है और उसके दिल में अपनी याद को भी ताज़ा रखती है। बारहवीं अलामत, उदास शायरी। औरत जब कर्ब से गुजर रही हो तो वो मनफी मैसेज भी करती है और उदास शायरी भी देखने को मिलती है। तेरहवीं अलामत, गड़बड़। तकलीफ, कर्ब और परेशानी की वजह से वो बार बार अपना मोबाइल फोन भी चेक करती है और इस दौरान वो घर में हो या बाहर वो जहनी तौर पर गैर हाजिर होती है, जिससे आसानी से घर के अफराद समझ जाते हैं कि कोई गड़बड़ है। चौदहवीं अलामत, बीमार रहना। ऐसा भी देखा गया है कि उसकी जुदाई लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती, अकेले रहने लगती है और फिर बीमार रहने लगती है। लाख इलाज कर लो, लाख जतन कर लो, उसे ठीक नहीं होता, लेकिन एक बार उसे उसका महबूब दिखा दो वो फौरन उठ खड़ी होती है, वरना वो दुनिया से चली जाती है। पंद्रहवीं अलामत, तंजिया गुफ्तगु। अपने प्यार की सताई हुई लड़की के साथ ऐसा भी होता है कि प्यार ना मिलने के बाद उसकी गुफ्तगु में तंज की आमेजी शामिल हो जाती है और वो उसका बदला जमाने से लेती है। जब तक जीती है ना खुद चैन से बैठती है ना किसी को बैठने देती है। ये उसके साथ किए गए रद्द अमल का नतीजा होता है और उसकी रूह मरते दम तक बेचैन रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।